हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस मल्टीमीटर में आसान तरीके से बैटरी चेंज करना दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये 9 वोल्ट का एक मल्टीमीटर है जो कि इसका बैटरी बिल्कुल डेड हो चुका है, ये भी बिल्कुल काम नहीं करता। तो फ्रेंड्स, मैं इसको बताने वाला हूँ कि इस बैटरी को कैसे चेंज करें और कहाँ पर मिलेगी और किस प्रकार से चेंज करें और बैटरी इसमें कहाँ लगी होती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमारे मल्टीमीटर की बैटरी ख़राब हो चुकी है, मल्टीमीटर में कुछ आता नहीं है, तो हम बैटरी कहाँ से लाएँ और कितने रुपए की मिलेगी, ये सारे डाउट है जो कि मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आपके। तो फ्रेंड्स, ये मल्टीमीटर है जो कि आपको मार्केट में 150 रुपये का आसानी से मिल जाएगा, कहीं कहीं पर 120 रुपये भी में मिल जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पर तो 150 रुपये का मिलता है। तो इसका बैटरी भी वहीं पर मिलेगा फ्रेंड्स, आप वो इसका बैटरी आता है 10 या 15 रुपये का, मेरे मार्केट में तो ये 10 रुपये का बैटरी मिलता है, आपके मार्केट में कितना होगा वो मुझे मालूम नहीं है, आप पता कर लीजिए। और ये इसका मल्टीमीटर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे मिल जाएगा और इसका बैटरी भी वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें 2 स्क्रूस होते हैं जो कि आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेने हैं और बस ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है। बस इसके ऊपर थोड़े लॉक होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से खोलना होगा, अगर स्क्रू ड्राइवर से खोलोगे तो वो टूट जाएंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हो इसमें ये एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी होती है बस, और कुछ ज़्यादा झंझट है नहीं फ्रेंड्स। इसमें माइनस प्लस सब शो करा रखी है नीचे, इसका ये वाला सिरा प्लस है और ये माइनस है, इन पर आप माइनस से माइनस और प्लस से प्लस बैटरी को लगा दीजिए, इसके अंदर आराम से बैठ जाएगी फ्रेंड्स। ये एक मोबाइल रिमोट में जो सेल होता है उसी प्रकार से लग जाती है, देख पा रही हूँ मैंने फ्रेंड्स, ये अभी तो बिल्कुल डेड बैटरी है। तो मैं इसको फ्रेंड्स, इसका एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं कि इसको चार्ज कैसे करें, अगर चार्ज होगी भी तो कैसे होगी, ये चार्ज होती है या फिर नहीं होती है। मैंने वीडियो काफ़ी देखे हैं, किसी वीडियो में फ्रेंड्स इसको चार्ज करते हुए भी दिखाया गया है और किसी तो मैं इसका एक वीडियो भी बना दूंगा कि ये चार्ज होती है फ्रेंड्स। ये मैंने न्यू बैटरी खरीदी अपने मार्केट से, मुझे 10 रुपये की मिली थी फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो हम ये न्यू वाली बैटरी इस मल्टीमीटर में लगा देंगे, जैसे पुरानी लगी हुई थी उस प्रकार से ही न्यू वाली लगानी है हमें, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे न्यू वाली बैटरी है जो कि इसको इसी प्रकार से, ये जो पुरानी वाली है कोई काम की नहीं है, इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ कि इसको चार्ज कैसे करें, फ्रेंड्स चार्ज होती है या नहीं होती है, वो सारी वीडियो में इस पर लेके आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसमें न्यू बैटरी लगाते ही हमारा मल्टीमीटर सही हो गया, देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये मल्टीमीटर अच्छे से काम कर रहा है। तो इसको इसी प्रकार से लगा देना है फ्रेंड्स, जैसे आपने पुरानी बैटरी का निकाला था उसी प्रकार से नई बैटरी इसमें लगा देनी है, बस ज़्यादा आसान काम है फ्रेंड्स, आप इसको लगा सकते हो। जैसे इसको तो वापस टाइट कर देना आपको, बस आपका मल्टीमीटर ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा मल्टीमीटर ठीक हो चुका है, देख पा रहे होंगे आप, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।